अरे शीतल, तुम? अरे इतना शॉक क्यों हो गए? किसी और का इंतजार कर रहे थे? नहीं, वो तुम कल आने वाली थी ना, इसीलिए। ओहो, काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गई। चलो घटो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रंजेश सिंह, क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पति और पत्नी की रिश्तों की मजबूती वफा और भरोसे की नींव पर टिकी होती है। क्या होगा अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी भरोसे को तोड़ दिया? तो आज की हमारी कहानी इसी भरोसे और बेवफाई पर आधारित है। अच्छा किया तुम आ गई, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, मैं इतनी देर से बेल बजा रही हूँ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? सॉरी बेबी, वो मैं बाथरूम में था। बाथरूम में थे? यस बेबी। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे मैं ले लूंगी। अरे बाबा तुम थक गई होगी, मैं लेकर आ रहा हूँ ना, बैठो। ये लो। अब बीवी की खिदमतदारी तो किस्मत वालों को ही मिलती है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे वो आज थोड़ी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैंने सोचा आराम कर लेती हूँ। क्या हुआ, बुखार तो नहीं है ना? तुम भी ना यार। तुम ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारे तुम्हारे गले पर क्या है? ये क्या? मेरे ये नाखून का निशान। नाखून का निशान? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं। अरे है बाबा, ये कुछ तो। ओ ये, अरे ये तो शेविंग करते समय कट लग गया था। तुम भी ना यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे बाबा जब तुम खुद शेव नहीं कर पाते तो सैलून जाके करवा लिया करो ना। हाँ मैंने सोचा था, बट यू नो सैलून में ज्यादा टाइम लगता है। फिर नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। कुणाल और शीतल दोनों पति पत्नी हैं। शीतल अपने प्रोफेशन और फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वो अपने पति कुणाल की भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। पर क्या कुणाल भी अपने पति धर्म को पूरी तरह से निर्वाह करता है? आइए देखते हैं। कुणाल। यस, क्या हुआ? ये किसका है? ये मेरा नहीं है। वो तो मुझे भी पता है कि ये तुम्हारे नहीं है, पर ये किसका है? बेबी तुम याद करो, ये तुम्हारे ही है। ऐसे कपड़े और कौन पहन सकता है? ये मेरा नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम बेकार में शक कर रही हो बेबी, ये तुम्हारे ही होगा। अरे ये मेरा नहीं है ये। बेबी मैं सच कह रहा हूँ, ये तुम्हारा ही होगा। हाँ शायद ये मेरा ही होगा, मैं भी ना भूल गई। लास्ट टाइम मैं याद है तुम्हें, मैं मार्केट गई थी तब मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी, तो शायद मैंने तब लिया होगा। मैं भी ना भूल जाती हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, तुम जल्दी नहा के निकलो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मैं बस अभी नहा करे। बाल बाल बच गया यार। ये रिया भी ना खुद के कपड़े छोड़ के और शीतल के पहन गई। शीतल बहुत ही भोली भाली लड़की है जो अपने पति से बे इंतहा प्यार करती है। इस बात का फायदा अक्सर कुणाल उठाया करता था और शीतल जानबूझकर उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। Thank you.
यस, क्या हुआ? तुमने बुलाया? वो तो तुम ना लिए? हाँ मैं ना लिया। नाश्ता तैयार है? हाँ नाश्ता रेडी है, तुम बैठो मैं लेकर आई। ठीक है। ब्रेकफास्ट तो बहुत ही टेस्टी है। सच कहूं तो तुम्हारे हाथों में जादू है जादू। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ये चाय लो ना। हाँ हाँ मैं ले रहा हूँ, तुम भी तो लो। क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों? मम्मी क्या था, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। पक्का? बाय द वे तुमने पोहा और ये सैंडविच बहुत टेस्टी बनाया, मैं बहुत मिस कर रहा था इन सब चीजों को जब से तुम गई थी।
अरे शीतल कहाँ जा रही हो? वो मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगी। तो तुमने मुझे बताया नहीं? जस्ट अभी कॉल आया कि बहुत ज्यादा फीवर है तो मैं। अगर ज्यादा सीरियस है तो मैं भी चलता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इनोना जब तुम नहीं रहती तो मुझे कितना अकेला फील होता है। आई नो, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं चलूँ छोड़ने? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम ध्यान रखो। बाय बाय। हेलो रिया। हेलो, बोलो। क्या बात है मेरी जान, बड़ी उखड़ी उखड़ी से लग रही है। तो क्या करूं, डांस करूं? यार मेरा मूड बहुत ऑफ है। मैंने 2 महीने से इस रूम का रेंट नहीं दिया और आज सुबह सुबह ऊपर से मकान मालिक आके मुझे धमकी देकर गया। अगर मैंने उसकी रेंट नहीं दिया यार तो वो मुझे घर खाली करना पड़ेगा। तुम कुछ कर सकते हो क्या? यस बेबी, बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर तुम रेडी हो तो। कुणाल, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो अभी तुम्हारी टेंशन दूर कर देता हूँ। मतलब? मतलब ये क्या, शीतल घर पर नहीं है, आज हम पूरी रात मजे करेंगे, तुम भी रिलैक्स फील करोगी। ओ, तो ये बात है, ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए तुम पैसे का इंतजाम कर देना। श्योर मेरी जान, पैसे मिल जाएंगे। चलो भाई, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलते। बाय बाय। फाइनली आओ। श्योर, व्हाई नॉट। बैठो। बड़ी देर कर दी आने में, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुणाल, हर खूबसूरत चीज को पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम एक लॉन्ग वीकेंड प्लान करें, लाइक गोवा या आउट ऑफ इंडिया। साउंड्स गुड, क्यों नहीं करते? रोका किसने है? रोका तो किसी ने नहीं, फिलहाल इस रात का प्लान करें। अच्छा, मैं भी तो देखूं जरा तुमने क्या प्लान किया है इस हफ्ते का। आज की शाम तुम्हारे नाम। अगर तुम्हारी शीतल को ये बात पता चले तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये हसीन शाम तुम्हारे उदासी में बदल जाए। उसे पता चलेगा तब ना, वैसे भी वो परसों आने वाली, उसे कौन बताएगा? किसी ने बता दिया तो कौन बताएगा उसे? वैसे भी मैं उसकी नजरों में एक बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है। मैं क्या तुम पर ट्रस्ट नहीं करती? बाय द वे, तुमने काफी अच्छा सरप्राइज प्लान किया। आई एम इम्प्रेस्ड। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पूरी रात बाकी है। I really missed you, यार। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा बिना रह ही नहीं पाऊंगा। तुम्हारी एक सरप्राइज तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब दिखाओ अपने दूसरे सरप्राइज। तुम इसी तरह मिलती रहोगी तो सरप्राइज की बौछार लगा दूंगा। सच में?
जहाँ शीतल एक बहुत ही सुलझी हुई वाइफ है, वहीं दूसरी तरफ कुणाल एक बहुत ही रंगीन मिजाज टाइप का इंसान है, जो अपनी पत्नी शीतल के गैर मौजूदगी में अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाता रहता है और अपनी लाइफ को इंजॉय करता है। पर क्या होगा इस बात की भनक उसकी वाइफ शीतल को लग जाए तो, आइए देखते हैं। कुणाल, तूने तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन आ गया है सुबह सुबह? घर पर ना हो तो मर्दों की तो बाहर ही रहती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अब उठ जाओ और फ्रेश होने के बाद नाश्ता कर लो। ठीक है बेबी, बाय बाय, टेक केयर। क्या बात है, हमारी बीवी तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती है। जितना ख्याल वो मेरा रखती है उससे कहीं ज्यादा ख्याल मैं तुम्हारा भी तो रखता हूँ ना। क्यों थोड़ा यार, मुझे भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए कुछ नाश्ता बना के ले आओ। यार तुम जब भी मेरे साथ होती मेरी कुछ करने की इच्छा नहीं होती। क्या है, जाओ ना यार प्लीज। तुम क्या रात भर तो यही कर रहे हो ना? बेबी जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। बेबी जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। क्या बनाया तुमने नाश्ते में? पोहा। वाओ परफेक्ट। टेस्टी है। शिट, शीतल का वीडियो कॉल है। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? यही ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना तो अकेले नाश्ता करना भी अच्छा नहीं लगता। ओह, इतना मिस कर रहे हो मुझे? यस बेबी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा। अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या है? वही पोहा। सिर्फ पोहा? और भी कुछ लेना चाहिए था ना? तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना मुझसे एक काम भी ढंग का नहीं होता। मुझे पता है तुम बहुत बड़े आलसी हो। अच्छा सुनो, फ्रिज में मैंने तुम्हारे लिए मैंगो जूस बना के रखा है, जाओ और पी लो। ठीक है बेबी, मैं पी लूंगा। हाँ बाद में नहीं, अभी जाकर पियो, फिर तुम भूल जाओगे। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे सामने पीता हूँ। ये क्या कर रखा है तुमने, कितनी गंदगी मचा रखी है किचन में। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, बिना तुम नहीं होती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थैंक यू, अब फाइनली ये जूस पीऊंगा। बस मैं आ गया, अब हो गई तुम्हें तसल्ली? अरे क्या कर रहे हो तुम पी क्यों नहीं रहे हो जूस? एक मिनट बस, मैं जूस डालता हूँ। ये मैंने जूस लिया। अरे पी क्यों नहीं रहे हो तुम जूस? एक बस अभी लिया।
ये देखो मैं जूस पी रहा हूँ। पियो पियो पियो, बहुत टेस्टी है। पूरा पी लिया बस। हैप्पी नाउ? सब ठीक है रिया? ओ, रिया भी है वहां। रिया तो क्या मिलाया था तुमने जूस में? तुम्हारी बेवफाई की दवा। आखिरकार एक दिन शीतल को कुणाल की करतूतों की भनक लग ही गई। उसने गुस्से में वो कदम उठा लिया जिसकी कुणाल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुणाल की बेवफाई की सजा कुणाल के साथ कुणाल की गर्लफ्रेंड रिया को भी मिली, जो शीतल और कुणाल के बीच में आ रही थी। इसलिए अपने रिश्तों में हमेशा भरोसा और पारदर्शिता बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप सावधान रहें, सेफ रहें, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। चाहे